हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीडे फूड्स। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। इसे आज हम तवे पे बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने 4 व्हाइट ब्रेड लिए हैं, आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ गाजर लिया है, 100 ग्राम मोजरेला चीज़ लिया है जिसे हमने पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, देखिए बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हम बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे, उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, उसके बाद हम आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेंगे, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स लेंगे, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला लेंगे और एक छोटा चम्मच काला नमक लेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसमें एक बड़ा चम्मच चीज़ मिलाएंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमने चारों ब्रेड को इस तरह से प्लेट में निकाल के रख लिया है। उसके बाद हमने 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप लिया है। अगर आप टोमेटो केचप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर पिज्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम टोमेटो केचप को ब्रेड में लगाएंगे। हमें पूरे ब्रेड में अच्छी तरह से टोमेटो केचप को लगाना है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के ब्रेड में भी टोमेटो केचप लगा लेंगे। देखिए हमने सारे ब्रेड में टोमेटो केचप लगा लिया है। उसके बाद हम इसमें सब्जियों का मिक्सर डालेंगे जो हमने तैयार करके रखा था, और इसे हम ब्रेड में फैला लेंगे। एक अच्छा तरीका होता है छोटे बच्चों को सब्जियाँ खिलाने का, वे बहुत शौक से इस पिज़्ज़ा को खाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको सारे ब्रेड पर भी सब्जियों का लेयर लगा लेना है। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ चीज़ डालेंगे। चीज़ अपनी पसंद के अनुसार आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चीज़ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको सारे ब्रेड पर चीज़ की लेयर लगा देनी है। उसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए ये अभी ही देखने में कितना अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिख रहा है, आपको ऐसा लगेगा मानो आप इसे अभी ही खा लें, लेकिन जब ये तैयार होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगेगा खाने में। अब हम एक तवा लेंगे और इसमें हम एक बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। हम फ्लेम को लो कर देंगे, हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। अब हम ब्रेड स्लाइस को इसमें रखेंगे। हमने चारों ब्रेड स्लाइस को तवे पर रख दिया है। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और इसे हम लो फ्लेम पर लगभग 3 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर इसे आपको तब तक पकाना है जब तक चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। देखिए चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे खोल कर चेक कर लेंगे। देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आप इसे अपने घर में बनाइए और अपने फैमिली और बच्चों के साथ इसे इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।